हाय एवरीवन, डबल ए ट्रिपल सी की साइट पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर एक नई नोटिस आई है। 22 फरवरी की वो नोटिस है, तो चलिए अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वो नोटिस को पढ़कर समझ लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। उसका स्क्रीनशॉट मैं साइट में लगा दूंगा। तो देखिए, अब स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 22/2/2023 की एक ये नोटिस है। क्या लिखा है? पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाई डीम्ड यूनिवर्सिटी एट इंस्टीट्यूट लेवल। मतलब कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज का एक काउंसलिंग है जो कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लिया जाएगा। कौन सा काउंसलिंग होगा? वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मतलब ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में खुद से जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड खुद के लेवल पे ही कराएंगी, है ना। मतलब उन्हीं के यहाँ पे ही वो होगा। तो उसके लिए आगे क्या लिख रहा है? इज पर द डबल ए ट्रिपल सी पी जी काउंसलिंग स्कीम 2022 द ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज दैट रिमेन वैकेंट। तो जो भी खाली बच जाएगी वो एंड द थर्ड आफ्टर द थर्ड मॉपअप राउंड, अभी जो तीसरा राउंड हो रहा है ना, उसके बाद भी जो बचेंगी वो सब ऑफ डबल ए ट्रिपल सी पी जी काउंसलिंग विल रिवर्ट टू द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज। वो सब क्या है? उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज को वापस भेज दी जाएंगी फॉर कंडक्शन ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। अपने लेवल पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड करने के लिए उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज को, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भेज दी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आगे? इन दिस रिगार्ड इट इज टू इन्फॉर्म दैट दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन द डबल ए ट्रिपल सी पी जी पोर्टल, ठीक, सॉरी, हु हैव रजिस्टर्ड इन द डबल ए ट्रिपल सी पी जी पोर्टल। तो उसके लिए क्या है इंफॉर्मेशन? ये है कि जिन्होंने डबल ए ट्रिपल सी की पी जी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है, ये जो लिखा है ना, रजिस्ट्रेशन कराया है, आर ओनली एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाई डीम्ड यूनिवर्सिटीज एट इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो उस राउंड में पार्टिसिपेशन के लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। फर्दर द डबल ए ट्रिपल सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शैल नॉट अप्रूव द एडमिशन ऑफ नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थ्रू द स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाई डीम्ड यूनिवर्सिटीज। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में चले गए, वहां बात करें कि भाई सीट बची है तो मेरे को बुक कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया होगा साइट पे, डबल ए ट्रिपल सी की साइट पे, तभी आप इलिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटीज में। किसी भी फील्ड लेना हो आपको, किसी भी डीम्ड में जहां अगर सीट है वहां पे, तो तभी आप इलिजिबल होंगे जब आपने यहाँ पे डबल ए ट्रिपल सी के पीजी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उस यूनिवर्सिटी पहुंच गए कि वहीं एडमिशन लेना, वहीं रजिस्ट्रेशन करा लें, ऐसा नहीं है। फिर देयरफॉर वही लिखा है आगे, देयरफॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, इसलिए कह रहा है कि जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वेट कर रहे थे, या जिनके नंबर बहुत कम थे, सोच रहे थे होगा नहीं होगा, अभी क्या मतलब पहले राउंड में सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेशन करने का, मिलना तो है नहीं सीट, ऐसे सोच रहे होंगे कई लोग, तो उसके लिए बोल रहा है ऑन द डबल ए ट्रिपल सी पी जी पोर्टल एंड विश टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाई द डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर एडवाइज टू रजिस्टर ऑन द डबल ए ट्रिपल सी पी जी पोर्टल ड्यूरिंग द थर्ड या फिर मॉपअप राउंड जो भी होने वाला है ना ऑफ डबल ए ट्रिपल सी पी जी काउंसलिंग। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों बोले, चलिए मैं इसको रेड कलर में कर देता हूँ आप लोग के लिए विशेष। देयर विल बी नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन आफ्टर थर्ड मॉपअप राउंड, क्योंकि ये जो थर्ड राउंड है उसके बाद कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है, अभी जिसके मन में आत्मज्ञान हो गया होगा कि नहीं भैया मैं तैयारी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मेरे सिलेक्शन अब नहीं हो पा रहा है, तो डीम्ड में चले जाऊंगी, मैं चला जाऊंगा, तो स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेशन करना है जिसको, तो यही मौका है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा कोई भी रजिस्ट्रेशन इस साल के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल के लिए यही नोटिस है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। किसी को और किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।